अस्सलाम एवरीवन, मैं हूं महा आमिर और आज मैं आप लोग के पास आई हूं जमूर और अम्मार के साथ इन दिस हॉस्पिटल हेल्थ नेटवर्क क्वेटा ग्लैडिएटर्स के एक बहुत मजे के सेशन के साथ। आज हमारा सेशन बहुत स्पेशल है और इसके बारे में आपको जमूर और अम्मार खुद बताएंगे। जमूर, हाय, मेरा नाम जमूर और मैं 10 इयर्स की हूं एंड आई एम रीड इन 3 क्लास। अम्मार, आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अम्मार अहमद है, मैं टंडोला यार से हूं और मेरी उम्र 15 साल है और अभी मैं तकरीबन ठीक हूँ, तकरीबन नहीं, फुल ठीक हूँ। अच्छा, अब हम बताते हैं कि हम यहाँ किससे मिलने आए हैं। चलो एक साथ बताएं, थ्री पे। हम यहाँ मिलने आए हैं सरफराज अहमद से, तो हम वेलकम करेंगे सरफराज अहमद को जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन है। अस्सलाम वालेकुम सरफराज अहमद जी। अस्सलाम वालेकुम जमूर एंड अम्मार, कैसे हैं आप दोनों? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसी तबीयत है आप दोनों की? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो हम लोग, याद है अभी हम लोग बात कर रहे थे, जमूर और अम्मार को बहुत सारे सवाल पूछने हैं आपसे जिसके बारे में दोनों बहुत एक्साइटेड है। सो कौन पहले शुरू कर रहा है सवाल? जमूर। ओके जमूर, पहले बताओ आज आपके लिए स्पेशल डे क्यों है? आज जमूर की हैप्पी बर्थडे भी है। एंड में सरफराज भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि आप उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग भी गाएंगे, तो हम एंड उस पे करेंगे, ठीक है? मैं बिल्कुल। कब है जमूर की हैप्पी बर्थडे? कब है जमूर की? आज ही। ओहो, ओए होए, आप तो फिर आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस है। थैंक यू, खुश रहो, खुश रहो बच्चा। अच्छा चलो जमूर, अब अपने सवाल पूछना शुरू करो। आपको क्रिकेट का शौक क्यों है? मुझे एक्चुअली क्रिकेट का जमूर बेटा बचपन से ही बहुत शौक था और मैंने जब आपकी एज का था मैं तब से क्रिकेट जो है वो टीवी पे देखता हूँ, इसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा शौक है, तो इसी वजह से मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक, अच्छा अब अम्मार आपका भी कोई सवाल है? अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो अभी आप इस वक्त क्या होते? ये बहुत अच्छा सवाल है। शायद मैं किसी और स्पोर्ट्स में होता, क्योंकि जो मेरी फैमिलीज में है उनमें काफी सारे लोग जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे। मेरे जो फादर थे वो बैडमिंटन के अच्छे प्लेयर थे, मेरे ताया थे वो भी क्रिकेट खेलते थे, मेरे एक कजन है, तो शायद मैं भी शायद किसी स्पोर्ट्स की फील्ड में ही होता, मुझे ऐसा लगता है। आप दोनों ये बताएं कि आप दोनों को क्या क्या शौक है? अच्छा, अम्मार को ना फुटबॉल बहुत अच्छा। फुटबॉलर बनना है आपने? और बिजनेसमैन। ओए होए, बिजनेसमैन और फुटबॉलर। अच्छा ये बताओ कि फुटबॉलर में कौन सा फुटबॉलर पसंद है? कोई आपको है पसंद फुटबॉलर? बड़े अच्छे अच्छे फुटबॉलर हैं जो आपको पसंद है कोई? क्रिस्टियानो। हाँ, वो तो सबका फेवरेट है, वो तो हमारा भी फेवरेट है भाई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो रोनाल्डो सबका फेवरेट है। और बताओ क्या क्या करते हो? और मैं ना घर में जो हाथ से परस बनाते हैं ना वो भी मैं बना लेता हूँ। अरे वाह यार, फिर तो जबरदस्त है। फिर तो इसका मतलब है जो आपके साथ टीचर बैठी हुई है आप उनको खूब पर्स बना बना के देते होगे फिर, या नहीं देते? चले अब जमूर आप बताओ, आपको क्या बनने का शौक है? मुझे डॉक्टर बनने का और क्रिकेटर बनने का शौक है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बिल्कुल आप डॉक्टर भी बनेंगी और क्रिकेटर भी बनेंगे, क्योंकि मुझे ये बताएं डॉक्टर की पढ़ाई तो बहुत ज्यादा टफ होती है, फिर आप क्रिकेट कैसे खेलेंगी? बस खेल उनको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है डॉक्टरों को। जब रिटायर हो जाऊंगी तब खेलूंगी। चलो मेरा बच्चा, जब भी आपको टाइम मिले आपने जरूर क्रिकेट खेलनी है आपने, ठीक है ना? और इंशाल्लाह अभी आपने जैसे बताया ना कि आपके ट्रीटमेंट भी कंप्लीट होने वाली है, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाएंगी और क्रिकेट भी खेलेगा और डॉक्टर भी बनेगा और खूब पाकिस्तान का नाम रोशन कीजिएगा आप, ठीक है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा इसके अलावा ये लोग अभी हमारी बात हो रही थी कि आप लोग जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको भी किसी चीजों से डर लगता है, तो अम्मार का बहुत अच्छा सवाल था कि आपको किसी चीज से डर लगता है या नहीं, या आप लोग सब बस बहुत स्ट्रांग होते हैं? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है भाई, मैं तो आपको पता है ड्रोनी जो मूवीज होती है ना जो मैं बिल्कुल नहीं देखता, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे रूम में सब सिंगल सिंगल होते हैं, तो इसी वजह से मुझे तो बहुत डर लगता है ऐसी चीजों से, इसलिए मैं कोई ऐसी मूवीज नहीं देखता भाई, मुझे बहुत डर लगता है।
अब आप बताओ, आपको किस चीज से डर लगता है? मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। मुझे भी बहुत डर लगता है। तो इतनी जोर से सुई लगाते हैं ना हाथ पे, इतनी जोर से सुई लगाते हैं हाथ पे ये लोग, है ना। तो आप मुझे बताएं, आपको डर लगता है, आप तो डॉक्टर बने हो, आप फिर इंजेक्शन कैसे लगाएंगे? ओए होए 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 मेरा बच्चा। अच्छा मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि आपको तो खुद इतना डर लगता है इंजेक्शन लगवाने से, तो खुद कैसे चलो हाँ ये भी अच्छा है, बच्चों को दवाइयाँ दे देना, इंजेक्शन मत लगाना, छोटे छोटे बच्चे बहुत रोते हैं, सही है ना? अम्मा आप बताओ, आपको किससे डर लगता है? मुझे रात को अंधेरे में बहुत डर लगता है। अंधेरे में? रात को अक्सर सोने के टाइम अंधेरा ही करते हैं। हाँ तो हाँ हाँ तो लेकिन डर तो लगता है ना भाई, सही कह रहे हैं ना भाई अमार। अच्छा चलो अब हम अच्छी कोई बात करते हैं ना, डर को छोड़ो, अब हम फेवरेट खाने की बात करें। बताओ भूख लग गई है ना अभी? मेरा खाना बन रहा है, प्लीज रखी है। अच्छा चलो ठीक है, हम खाने की बात नहीं करते, इनको रिस्ट्रिक्शन है खाने के लिए, सब की बात नहीं कर सकते, वरना भूख लगेगी। पूछ लो ना इनका क्या फेवरेट। पूछो तो, हम बैठे वहाँ पे। आपका फेवरेट फूड कौन सा है? भाई मुझे तो, भाई मुझे तो आई लव बिरयानी। मेरा भी फेवरेट फूड बिरयानी है। ओए होए होए, चलो आपकी तबीयत जब ठीक हो जाएगी ना, फिर इंशाल्लाह हम दोनों मिलके साथ बिरयानी खाएंगे, सही है जी। अच्छा अमार, अब आप अच्छा अमार आपसे पूछ रहा था कि लॉकडाउन में आपको सबसे ज्यादा बुरी चीज क्या लगती थी? सबसे ज्यादा जो बुरी चीज वो जो लगी है ना, वो ये लगी कि हम लोग ग्राउंड नहीं जा सकते थे, हम क्रिकेट नहीं खेल पा रहे थे, क्योंकि सारे ग्राउंड जो है वो लॉक हुए हुए थे, हमें प्रैक्टिस करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। तो लॉकडाउन में बस यही एक चीज बुरी थी, अदरवाइज ऑल ओके। आपने लॉकडाउन में क्या किया? ने लॉकडाउन में, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है। हाँ आप, मैंने लॉकडाउन में जो है वो बहुत सारा टाइम अपने घर पे गुजारा, और अपने फैमिली के साथ गुजारा, अपने बेटे और बेटी के साथ गुजारा, और बहुत सारा खाना खाया, बहुत सारा खाना खाया, और बहुत सारी ट्रेनिंग करी। नेक्स्ट सवाल हम तीनों का ये है कि पीएसएल में क्वेटा के अलावा आपकी कौन सी फेवरेट टीम है? भाई देखें, क्वेटा के अलावा मेरी कोई फेवरेट टीम नहीं है, क्वेटा ही मेरी फेवरेट है, और छह की छह टीमें जो है ना वो क्वेटा की होनी चाहिए, तो मेरी फेवरेट टीम सिर्फ क्वेटा है, उसके अलावा कोई मेरी फेवरेट टीम नहीं है। ये तो कह रहे हैं मुझे भी अच्छी लगती है। सेव मी काए काए क्वेटा छा जाए क्वेटा। आपको क्वेटा की अच्छी लगती है? मुझे सिर्फ क्वेटा की अच्छी लगती है बस। सही जवाब दिया, कह रहे हैं सिर्फ क्वेटा ही अच्छी लगती है। सेम यहाँ पे भी, इन दोनों को क्वेटा बहुत अच्छी लगती है। सेम ओए हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर आप लोगों ने अभी हम अभी अच्छा, हमारे मैचेस शुरू होने हैं, तो आप लोगों ने दुआ करनी है हमारी टीम के लिए। गुड लक विश कर देते हैं मैंने क्वेटा के लिए। गुड लक, ऑल द बेस्ट क्वेटा ग्लेडिएटर्स। थैंक यू। अच्छा अब हम जमुई के लिए हैप्पी बर्थडे सब भाई। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो भाई। जमूर बहुत शाय हो रही है, लेकिन वो चाह रही है कि आप हैप्पी बर्थडे का। भाई पहले तो जमूर को मेरी तरफ से बहुत बहुत, उनको उनकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। टू यू हैप्पी बर्थडे डियर जमूर, happy birthday to you, may you have many more, may you have many more, happy birthday dear Zamur, happy birthday to you, yay! Thank you, good luck.
ओके मेरी जान, अपना बहुत 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 सारी दुआएं आप दोनों के लिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और हम सब आप दोनों के लिए दुआ करेंगे कि आप दोनों जल्दी जल्दी ठीक होकर, एक जो है वो डॉक्टर बनेगा और एक ने जो है वो जो भी उनका शौक है, अम्मा आपको जो भी बेटा पसंद है आप वो जरूर बनेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह आप लोगों से आपके पास आके मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सरफराज, और हम एक बहुत बड़ा सा शाउट आउट देना चाहते हैं, किसको? कोटा ग्लेडिएटर्स। हाँ, एक जोर से 1 2 3 कोटा ग्लेडिएटर्स।